तो सर पीएसयू सेक्टर कैसे देख रहे हैं इस समय, और क्या वहां पे एक रैली की संभावना है? ओवरऑल पीएसयू की बात कर रहा हूं वैसे। देखिए, ओवरऑल पीएसयू में अलेक्स जी आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि रेवेन्यू विजिबिलिटी कहाँ दिख रही है। तो जो गवर्नमेंट के दो सेक्टर जो मुझे दिखते हैं कि काफ़ी अच्छा कर सकते हैं आने वाले टाइम पे, प्राइस लेकिन अहेड ऑफ दैट काफ़ी मूव कर चुका है। पहला वो डिफेंस के सेक्टर हैं और दूसरा जो है वो है रेलवे सेक्टर है, क्योंकि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस है, ये दो सेक्टर्स पे जो काम करती हुई कंपनियां हैं वहाँ पर ऑलरेडी लेकिन एक बड़ा गेन आ चुका है। और तीसरा अगर हम कह लें कि बैंकिंग सेक्टर में है, पीएसयू बैंक्स में हमने जिस तरह से देखा है कि एनपीए रेजोल्यूशंस के बाद उनके उनकी कमाई कह लें काफ़ी अच्छी बढ़ी है। तो ये मोटा मोटी जहाँ पर कि आप ध्यान दे सकते हो, ये इन सेक्टर्स में चुनिंदा कंपनियों को वैल्यूएशंस को देखते हुए आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बहुत सी चीज़ें अहेड ऑफ वैल्यूएशंस जाती हैं और बहुत से लोगों की स्टक लॉन्ग पोजीशन हो जाती है ऊपरी स्तरों पे, क्योंकि आप सुनते 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 जब आप लेना चालू करते हो तब तक प्राइस में काफ़ी बड़ा रनअप ऑलरेडी हो चुका होता है और कन्विक्शन आपका तब जाके डेवलप होता है। तो मुझे लग रहा है कि आपको चुनिंदा शेयर्स इन सारे स्टॉक्स में जहाँ पर कि गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी प्लान हैं और जहाँ पर प्रॉफिट परकुलेशन जो है वो होगा, वैसे स्टॉक्स पे ध्यान रखना चाहिए। जी, तो ये है किन स्टॉक्स में पीएसयू के अंदर में किस तरीके से नजर है।